उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में यहां तक की गलतियां हैं और बहुत बड़ी गलतियां हैं जिसे कहते हैं ब्लंडर मिस्टेक्स, जिनमें आप कहें कि जब उत्तर प्रदेश पंचायत के पहले चरण के नामांकन हुए तो उसमें कई ऐसी जगह थी, सीट थी जिनमें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी, लेकिन उस गांव पंचायत में गांव ग्राम सभा में अनुसूचित जाति का कोई सदस्य ही नहीं था। तो लोगों ने कुछ लोगों ने क्या किया कि कुछ अलग से बनवा के नकली गलत फोर्ज्ड अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के आधार पर नामांकन करने का प्रयास किया, लेकिन वो सत्यता लोगों को पता चल गई, पुलिस में बिठा ले गए, पुलिस एक्शन हुआ, पुलिस कार्रवाई हुई। इतना बड़ा मजाक ग्राम पंचायत चुनाव के पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें जिसका एक भी सदस्य नहीं है अनुसूचित जनजाति का और वो सीट रिजर्व कर दी गई अनुसूचित जनजाति के लिए। इससे बड़ी और गलती क्या होगी। कानपुर जिले की बात करें तो वहां 36 सीटें ऐसी हैं जो बिना आपत्ति के, जिन पर आपत्ति ही नहीं दी गई और फिर भी उनको बदल दिया गया। और यही बात जब एक अधिकारी निर्वाचन, उत्तर प्रदेश निर्वाचन का अधिकारी कह रहा है तो उसको हटा दिया गया पद से वहां, ये बड़ी बात विडंबना की बात थी। तो ये सब बातें हैं लोगों की हैं, लेकिन लोग क्यों नहीं माने सर्वोच्च न्यायालय में आ पा रहे हैं, दरवाजा खटखटा पा रहे, अपनी याचिकाएं लगा पा रहे, उन्हें अपनी वोट बैंक का डर है, ये भी एक समस्या है बड़ी। तो लोग चाहते किसी कोई ऐसा हो, कोई करेगा तो उन्हें भी लाभ मिल जाए, कोई करेगा तो 95 का बेस रह जाएगा, कोई करेगा तो इस तरह से इस पर चल रहा है और यही एक दूसरे के सहारे है काम हो रहा है और यही हो नहीं पा रहा। यही होना चाहिए था, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस पड़ता तो उस पर स्टे लगता और स्टे के आधार पर होती और इससे उत्तर प्रदेश सरकार की भी इज्जत बचती। ये बड़ी बेइज्जती वाली बात है कि वहां कई पंचायत ऐसी हैं जिनमें नामांकन नहीं हो पा रहा है, खाली जा रही है, नामांकन नहीं हो पा रहा, तो वो किस प्रक्रिया के तहत है, किस प्रक्रिया के तहत किस प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, क्या उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने उस पर काम किया, किस तरह से उसे करना चाहिए था, क्या उन्होंने उसकी संरचना बनाई।